हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल। देखिए, आज आपके लिए जो है जेंट्स टोपी लेकर आई हूँ। काफ़ी फरमाइश आ रही थी, सिंपल सी इजी सी जेंट्स टोपी। बताइए किस तरीके से बनाई जाती है। जनरली ये जो है मैंने बिगनर्स के लिए बनाई है कि बिगनर्स जो है किस तरीके से इसे आसानी से बना सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक सीधा एक उल्टे फंदे बनाने की। तो देखिए, नॉर्मल वूल ली है मैंने और इसे मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। इसमें 60 ग्राम के आसपास 60 ग्राम के आसपास ऊन लगी है और आगे बाकी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है बहुत इजी वे में और बहुत जल्दी बन जाती है। किस तरीके से बनती है ये आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें मैंने बताया है। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसे। तो चलिए आपको इसका ब्रीफ दे दूँ कि किस तरीके से ये बनाया है मैंने। आप ये देखेंगे नॉर्मल वूल ली है, नॉर्मल से हल्की सी मोटी है, जनरली तो नॉर्मल है ये, हल्की सी थोड़ी सी थिक है। तो मैं 9 नंबर की सिलाई से इसे जो है बना रही हूँ। अब ये एक बेसिकली बिगनर्स के लिए टोपी बना रही हूँ। बहुत इजी वे में इसलिए बना रही हूँ कि बिगनर्स भी आराम से इसे बना पाए। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने जो है ये फंदे डाले हैं, 112 फंदे डाले हैं और एक सीधा और एक उल्टा। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बताया हुआ है मैंने कि एक सीधा और एक उल्टा किस तरीके से बनाया जाता है। वो मैंने पूरे में एक सीधा और एक उल्टा बनाया है। अब इसे कितना लंबा बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब ये देखेंगे आप, ये कम से कम जो है 10 इंच के आसपास आया है। अब इसकी जो है हम जो टोपी की शेप होती है वो मैं इसमें देने जा रही हूँ। तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम किस तरीके से इसमें जो है टोपी की शेप देंगे। आपने करना कुछ नहीं है, 112 फंदे डालने हैं। बड़े जेंट्स के लिए जो टोपी होती है जो फोल्ड करके पहनी जाती है वो बता रही हूँ, और बिगनर्स के लिए बेसिकली बता रही हूँ जो उनके लिए आसान हो और वो अपनी प्रैक्टिस भी कर पाए। ये इस तरीके से देखिएगा आप, ऐसे फोल्ड होएगी, जो फोल्ड होती है इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पे तो आपने सिंपल बनाना है, एक सीधा एक उल्टा करके आपने कम से कम ये जो है 10 इंच आपने लंबा बनाना है और उसके बाद आपने इसकी जो ऊपर हम टोपी की शेप देते हैं वो कैसे देंगे ये देख लीजिए। अब 112 फंदे हैं, 112 फंदों को मैं 4 में डिवाइड करूँगी। तो 112 जो है आपके 56, 28, यानी कि 28, 28, 28, 28 इस तरीके से मैं इसे डिवाइड करूंगी और वहीं वहीं पे घटाऊंगी। हमें जो घटाना है इसकी शेप देनी है। अब देखिए पहले मैं 28 फंदे एक सीधा एक उल्टा करूंगी। देखिएगा ये आपने एक सीधा ये उल्टा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए इसका जो है शेप जो देनी है उसका डिवाइड किस तरीके से करूँगी। करना तो हमें वही है कि 28, 28 फंदे होने चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में मैं जो है ये 14 ही फंदे करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो शेप देनी है वो यहाँ 14 और यहाँ 14, यानी कि शेप एक अच्छी आनी चाहिए। तो यहाँ पे उस तरीके से मैं करूँगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 14 फंदे बनाने के बाद एक मार्कर मैं लगाऊंगी, क्योंकि पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपने जो है घटाया है फंदा। अब देखिए ये मार्कर लगाने के बाद ये फंदा उतारूंगी और इस फंदे को बनाऊंगी और उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से ले लूँगी कि एक फंदा आपने घटाया। अब 28 फंदे बनाऊँगी, 1, 2, 3, 4, 26, 27 और ये देखिएगा 28। यहाँ पे फिर से मैं मार्क लगा देती हूँ एक। अब यहाँ पे मैं इन दो फंदों को इस तरीके से 2 का 1 करूँगी। अब यहाँ पे देखिएगा सीधा फंदा आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं एक फंदा उतार दूँगी, यहाँ पे 27 फंदे आ गए। तो अब ये दो फंदे मैं इस तरीके से 2 का 1 करूँगी। अगेन जो है आप ये देखेंगे यहाँ पे मुझे
अभी दो लगाए हैं, दो और लगाने हैं। अब फिर से वही 27 फंदे जो है बनाऊंगी। ये फंदा आपने इस तरह से किया और ऐसे बनाया, ये देखिएगा, ये फिर से बनाया आपने। यहाँ पे फिर से मैंने मार्क लगाया इस तरीके से करके, ये उतारा, इसे बनाया और इसे जो इसके ऊपर से उतार दिया। अब फिर से अगेन वही 26 या 27 फंदे बनाऊंगी, दो का एक करूंगी और यहाँ पे मेरे पास 13 या 14 फंदे बचेंगे। ये देखिए, ये 27 फंदे एंड देन अगेन ऐसे रखा आपने, फिर वही करना आपने, ये दो का एक करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा कि सीधा फंदा आना चाहिए। तो मैं बेशक इसको इस तरीके से उतारूँगी, एक फंदे को और बनाऊँगी और उसके बाद करूँगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो है सीधा फंदा लाना है। आप ये देखेंगे, ये दो का एक किया एंड अब ये बाकी फंदे, हम ये 14 फंदे देखिएगा, 14 फंदे एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे। करना आपने अब हर लाइन में, सीधी लाइन में यही है, इसी तरीके से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। ये देखिएगा, ये पूरी लाइन बनाऊंगी, इसकी अगली लाइन एक सीधा एक उल्टा जाएगी, ये देखिए चार जगह पे मार्क लगा है। अब इन्हीं चार जगह पे मैं जैसे जहाँ पे घटाए हैं उसी तरीके से घटाऊंगी जैसे घटाए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक बार मैं यहाँ ऐसे घटा रही हूँ, एक बार मैं ऐसे घटा रही हूँ, आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगली लाइन जो है एक सीधी एक उल्टी की जाएगी, उसमें मैं कुछ नहीं करूँगी, जस्ट एक सीधा और एक उल्टा करूँगी ऐसे। अब ये देखिए, उल्टी लाइन जो एक सीधा एक उल्टा करना था वो पूरी कर ली है, मार्क वहीं लगे हुए हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं इस लाइन में घटाऊंगी, यानी कि हर सीधी लाइन में मैं यहाँ पे जो मैंने मार्क्स लगाए हुए हैं वैसे ही घटाऊंगी जैसे मैंने आपको जो है बताया है। ये देखिए इस तरीके से, और इसके बाद अब आपको इसे घटाते हुए ऊपर तक जाना है। जब तक आपके पास कम से कम 10 या 12 फंदे रहेंगे तब तक आपको इसे घटाना है और फिर उन फंदों को हम एक साथ ऊपर बंद कर देंगे। ये देखिए आप, अगेन वही ये किया आपने, ये उतारा, अब ये वाला उतारेंगे हम धागा आगे करके, इसे सीधा बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर एक उल्टा एक सीधा बनाना है। ये देखिए, फिर से मार्कर पे आ गए हम, मार्कर उतारा, इन दो को हमें इस तरीके से दो का एक करना है। अगेन एक सीधा एक उल्टा,
ये देखिए फिर से आगे मार्कर पे इसे उतारा आपने। अब हमें इन दो को दो का एक करना है इस तरीके से, फिर एक सीधा एक उल्टा। अब आपने सीधी लाइन में ऐसे ही करते हुए जाना है जब तक कि आपके पास ऊपर 8 या 10 फंदे बचेंगे, तब तक आपने इसी तरीके से इसे घटाते हुए जाना है। अभी इसी तरीके से इन मार्कर्स पे आपने सीधी लाइन में घटाना है और उल्टी लाइन में एक सीधा एक उल्टा करना है। अब देखिए ये इस तरीके से घटाया मैंने, जैसे आपको बताया है वैसे ही घटाते हुए गई हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से एक लाइन आई है, 4 लाइंस आई है। अब मेरे पास यहाँ पे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 फंदे बचे हुए हैं। अब इन 21 फंदों को मैं इसे काट के जो है सुई में डाल के इसे पूरा खींच दूंगी। तो चलिए पहले लंबा सा धागा थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि इसे फिर उससे सिलना भी है हमें। तो लंबा धागा लेके सुई में डाल देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मैं एक एक फंदा इस पे इस तरीके से लूंगी। ये देखिएगा इस तरीके से डाला और आपने इसे खींच देना है। ऐसे आएगा, खींचिएगा अगेन इसी में से डाल के फिर हम इसको पूरे को सिल देंगे। अब देखिए इसी में से दोबारा डालूंगी सारे में से ऐसे। दोबारा सारे में से डाला मैंने और इसे धागे को खींचूंगी। ये देखिए ये आया, आपने खींचा, देखिए कितना बढ़िया बन गया है। अब आपने इसे सिलना है। ये देखिए अब आप इसे सिल लीजिएगा तो ये टोपी आपकी इस तरीके से बनेगी। ये देखिए ये पूरी हो गई, यहाँ पे बनेगी और यहाँ पे आपने फिर इसे जस्ट ऐसे फोल्ड करना है। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा सिल देती हूँ, आपको बता देती हूँ जनरली मैं कैसे सिलती हूँ। मैटर सिलाई से सिलती हूँ, आपको पता है। ये देखिए यहाँ से लिया पहला जो आपका लूप होता है, आपने ये लिया, अगेन यहाँ से पहला लूप लिया। ये जो पहला फंदा होता है उसमें से इस तरीके से निकालते हैं, अगेन दूसरा, फिर यहाँ से ये लिया, देखिए लेकर फिर आपने खींचना है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसकी जो है सिलाई हो जाएगी।
तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे बंद कर दिया बिल्कुल ही। तो देखिए आपकी टोपी जो है इस तरीके से, जेंट्स टोपी बहुत जनरल, बहुत आसान सी, इजी टोपी जो है आपकी तैयार हो गई। इसे आपने इस तरीके से जब भी पहनेंगे तो ये ऐसे फोल्ड होगा, ये देखिए। थैंक यू।